ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृता नारायणं नमस्कृता। नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 14। तत्त्वन्नथा किंचन जदभिक्षता। न कर्हि चित्क्वापि च दुःस्थिता मतिः। लभेत् वाताः तनुरीबास्पदम्। और पढ़ दे रहे ताकि याद रखना है। तत्त्वन्नथा किंचन जदभिक्षता। पृथक गदृशस्तत्कृति रूप नाम भी। न कर्हि चित्क्वापि च दुःस्थिता मतिः। तत्त्वन्नथा किंचन यत् विवक्षते। तत्त्वन्नथा किंचन यत् विवक्षते। पृथक् दृश्य तत्कृत रूप नाम भी। न कहि चित् कपि च दुःस्थिता मतिः। लभेत् वाताः तनुरीव आस्पदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ततो ततो अन्यथा किंचन यद्विवक्षत। ततो अन्यथा किंचन यद्विवक्षत। पृथग दृष्ट्यत कृतरूप नाम भी। पृथग दृष्टात कृतरूप नाम भी। न करहि चित्त
क्वापि च दुःस्थिता मति न करीति चिदात्मापि च दुःस्थिता मति लहुते बाताहत नौरिवास्पदम् हरे कृष्ण ततो अन्यता किंचन यद् विवक्षता ततो अन्यथा किंचन यद् विवक्षता पृथद्दृशा तत्कृतरूपनामभि पृथक दृश्य तत्कृत रूप नाम ही ना कर ही चित क्वापि चादुस्तिता मति ना कर ही चित क्वापि चादुस्तिता मति लबे द्वाता नानो निवासपदम लबे द्वाता हतनो निवास ततो अन्यथा किंचन ततो अन्यथा किंचन यद् विवक्षता पृथग्दसत्कृतरूपनामभि नवरीवासपदम् अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता। हरे कृष्ण सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। भगवान से अलग दिखने वाली जिस भी वस्तु का वर्णन करना चाहते हो वह विभिन्न रूपों नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवत आंदोलित करता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णों के संपादक है अतः उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है यथा सकाम कर्म मीमांसा योग शक्ति तथा भक्ति। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम यह हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे श्री भगवान की सेवा में अपना मन किस प्रकार से स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सत्य मार्ग को ढूंढने हेतु सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं और इस प्रकार वे प्रत्येक वस्तु को केवल परम भगवान के संबंध में वर्णन करने हेतु कह रहे हैं किसी अन्य के संबंध में नहीं। वस्तुतः श्री भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। श्री भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल है वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर है। जड़ में जल डालने से वृक्ष को सींचने की सही विधि है ठीक उसी प्रकार पेट भरने से शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिल जाती है। इसलिए श्री व्यासदेव को चाहिए था कि श्रीमद् भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन ना करते क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसे उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य श्री भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वदेववाद बहुदेवतावाद का जन्म होता है जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है जो श्रीमद् भागवतन के उन सिद्धांतों की
उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा श्री भगवान से नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर ढंग से आज का जो श्लोक है वर्णन किए हैं, इसको हम लोग को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है। यहाँ पे जो देवी देवताओं की पूजा का जो उल्लेख किया है कि देवी देवताओं की पूजा करने से क्यों मना किया गया है शास्त्रों में, क्योंकि विभिन्न देवी देवता है तो अलग अलग धर्म संप्रदाय होगा, जब अलग अलग धर्म संप्रदाय होगा तो क्या हाल होगा जगत का, जो रियल जो सनातन धर्म है वो पूरी तरह से ढक जाएगा। रियल सनातन धर्म में एक जीव को भगवान के साथ प्रेम करना सिखाता है, तो जब देवी देवताओं बीच में आ जाएगा तो सच्चा सनातन धर्म ढक जाएगा और लोग इसीलिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए प्रभुपाद बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे उस चीज को एस्टैब्लिश किया। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कल जो कुछ घटना, जो कुछ हमारे क्लास में या मायापुर टीवी की क्लास में हमारे गीता माता जी जो भी थोड़ा सा कलेक्ट किए हैं अपने ब्रेन में, मेमोरी में, स्मृति शक्ति में, वो भक्तों के सामने थोड़ा शेयर करेंगे, हम सबको कल की क्लास का रूपरेखा वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री व्यासदेव अपनी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है। आप अपनी मतलब कि श्री व्यासदेव आपका वीडियो क्या हुआ? वीडियो क्या हो गया? वो गोपाल आकर के ना ट्यूशन जाने के लिए तंग कर रहा था मुझे, वो आकर के उसी में ये करके चला गया। बताइए व्यास देव जी जो है इधर नहीं देखना है, हमारी तरफ देखना है। आपकी दृष्टि कोई कागज कलम नहीं देखना है, कोई कागज कलम नोट नहीं देखना है, एकदम हमारी तरफ देखना है, एकदम ए टू जेड, मतलब आंखें हमारी तरफ, आई कॉन्टेक्ट होना है। कोई नोट्स नहीं, कोई नोटबुक नहीं, हमारी तरफ देख के बोलना है। जितना होगा होगा, नहीं होगा तो छोड़ देना है। एक मिनट हो या दस मिनट हो या आधा घंटा हो, बिना नोट देख के बोलना। अभी ना अभी मेरे पास नोट भी नहीं है, बुक वाली रखा हुआ है, एकदम से अभी एकदम से नहीं समझ में आ रहा कल का क्या था, थोड़ा देखना पड़ेगा, तो मैं देख लू तो फिर बता सकती हूँ। हरे कृष्णा। मैं क्योंकि ना अभी बहुत सारा चीज मेरे दिमाग में है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं देख लूं। कल का 13वां श्लोक था ना कल का। हरे कृष्णा। अतो महाभाग भवान मोग अतो महाभाग अत परम भाग्यशाली भवान आप अतो महाभाग भवान मोग शुचित्रवा सत्यरतो धृतव्रता उरु क्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम्। ठीक है, अगर प्रिपरेशन अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं मैं एकदम से अभी सॉरी अभी ना थोड़ा सा एकदम सब कुछ एक चीज बोलते बोलते सब कुछ आ जाता है माता, पहले डरने से नहीं होगा। कल हम लोग ये चर्चा किए थे मायापुर टीवी का, कोई एक प्रसंग उठाए कि प्रभु जी मायापुर टीवी में ऐसा बोले थे, उसे ही पूरा लिंक आ जाता है। एक चीज बोलने से शुरू करना। कल का मायापुर में अच्छा हरे कृष्णा। दो राजा, दो ब्राह्मण थे, एक बड़े बड़े ब्राह्मण एक छोटे ब्राह्मण। वो लोग वृंदावन घूमने गए थे। जो वहां घूमने गए थे तो बड़ा वाला ब्राह्मण थोड़ा सा अस्वस्थ थे अपने शरीर से, तो छोटा वाला ब्राह्मण उनको मदद करके दिए, उनके सामान को उठा के रख के दिए। तो उनको मदद से वो बहुत प्रभावित होकर के छोटे ब्राह्मण को बोले कि मैं अपने बेटी का शादी मैं आपके साथ कराऊंगा करके भगवान के सामने बोले। तो बोले नहीं आप भगवान के सामने प्रतिज्ञा मत करिए, क्यों? क्योंकि भगवान के सामने करने से फिर आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं मैं बिल्कुल आपकी मेरी बेटी के साथ आपकी शादी कराऊंगा करके।
ठीक है, अब आए गए उन लोग वृंदावन घूमे सब जगह, होने के बाद घर वापस गए। वापस जाने के बाद उन लोगों को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। छोटे वाहन सोचे कि ठीक है मैं उनके घर जाता हूँ। तब वो उनके घर गए तो उनके जो वो जो बड़े ब्राह्मण दिए ना, मैं क्या करूँ, मेरे बेटा जो है बहुत उपद्रवी प्रकार प्रवृत्ति का है, वो बिल्कुल मान नहीं रहा है कि एक गरीब ब्राह्मण को मैं अपनी बहन को ब्याह करके दूँ। तो इसलिए तो बोले कि देखो मुझे शादी करने का इतना ये नहीं, आपने भगवान के सामने क्या बोले कि मैं अपनी बेटी का शादी तुम्हारे साथ करके दूंगा, तो भगवान को झूठा साबित हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बोले आपका बेटा कहाँ, मैं उससे बात करूंगा। फिर वो बेटे के पास गए तो बेटे को समझा ऐसा ऐसा बात है। तो बेटा बोला प्रमाण चाहिए, तुम वहां का कुछ भी प्रमाण बताओ करके। तो वो क्या किए, फिर वो चले गए वहां वृंदावन वापस और भगवान के पास विनती करने लगे कि ऐसा ऐसा बात हो आपके सामने, मेरे को शादी करा देंगे बोले उनकी बेटी का। उसके बाद वो अभी मुकर रहे हैं उनके बेटे के कारण, तो आप अपना अस्तित्व को अगर चाहते हो भक्ति के सामने तो आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। तो कृष्ण भगवान बोलते ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ, तो लेकिन एक शर्त है, तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो पीछे मुड़ के नहीं देखोगे बोले तो ठीक है मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तो पता चलना चाहिए ना आप मेरे पीछे हो, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए। तो बोले कुछ घुंगरू कुछ ऐसे कुछ छन छन आवाज करते रहेगा करके। तो वो उड़ीसा कृष्ण भगवान उनके साथ पीछे पीछे गए, उड़ीसा तक पहुंच गए। उसके बाद आवाज नहीं आ रहा है, तो इनको लगा कि अरे भगवान पीछे है कि नहीं, पहले पता तो कर लो। तो उनको भगवान ने क्या बोला था, तुम पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन वो छोटा ब्राह्मण ने क्या कि पीछे मुड़ के देख लिया। देखने के बाद भगवान एकदम स्थिर हो गए, स्थिर हो गए तो मतलब वो जहाँ है वहां अकड़े जैसे हो गए। अब उठा रहे तो उठा नहीं सकते, आप थोड़ा ही दूर था गांव, अब वो जाके उनको कैसे बताएगा कि मैं भगवान को लेके आया था करके, प्रमाणित नहीं कर पाएगा। तो गांव जाके सबके ऊपर बोलता है देखो भगवान से आए थे, मैं वृंदावन से जाके भगवान को लेके आया हूँ, आप तो सब आइए आ करके भगवान को उठाए। तो फिर सब लोग आते हैं, फिर सब लोग बताते हैं, उस प्रकार फिर उस ब्राह्मण की शादी उनके साथ हो जाती है। तो उसका मतलब आपने क्या बोले थे कि भगवान मूर्ति, जो मूर्ति बोल सकता है वो चल सकता है, ये था उसमें। और फिर और एक बोले थे भगवान तीन रूप में विद्यमान है, सबसे पहले क्या है विग्रह के रूप में, दूसरा क्या है भागवतम के रूप में, तीसरा जो है भगवत नाम के रूप में है। भगवान भागवतम क्या है, भागवतम क्या है, भगवान सेतु के समान है, जो वैदिक आध्यात्मिक दोनों भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में सेतु है भागवतम। फिर फाल्गुन भगवान के बारे में बताए थे, जो सबके पत्नी लोग को लाके रखते हैं और जादू करते हैं, है ना, वो वाला चीज बताए थे उसमें। और क्या है, हाँ प्रभु जी अभी तो फिलहाल इतना ही। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये जो वीडियो हम शेयर किया ग्रुप में, कौन कौन भक्त देखे इस चीज को, प्राण मोहन प्रभु जी देखे हैं भगवान? हाँ ये वाले को देखे प्रभु जी। अच्छा, नंद किशोरी माता जी देखे हैं? हमको भी याद था लेकिन हम नहीं बोल पाए कि प्रभु जी भागवतम में जब पूछ रहे हैं तो हम उसमें से कैसे बताए। ये जो बता रहे हैं माता जी, ये याद था मतलब आप भी देखे। विभा माता जी तो देखे ही है क्योंकि मुझे फोन किए थे, इसीलिए कि प्रभु जी मैं वीडियो को देखा तो फीडबैक देने के लिए ऐसा ऐसा बहुत अच्छा लगा। और विश्वनाथ प्रभु जी देखे कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज का जो क्लास है। आज का क्लास है कि श्रील व्यासदेव को नारद मुनि आगे बता रहे क्या कि तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वो प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। चक्रवात मतलब क्या, साइक्लोन? यस अच्छा, जब साइक्लोन होता है
तो जो आश्रय विहीन जो नाव है वो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे सांप की तरह, कभी इधर तो कभी उधर डूबता रहता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसकी व्याख्या किए है कि श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है, तो उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का चरण वर्णन किया है तथा यथा सकाम कर्म मीमांसा योग शक्ति तथा भक्ति। सकाम कर्म मतलब हम लोग समझ गए, एवरीडे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सकाम कर्म का अर्थ होता है जो बिना भगवान को प्रेम किए, बिना कुछ भगवान से परमिशन लिए गाधा की तरह परिश्रम करता है या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परिश्रम करता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। दूसरा है मीमांसा। मीमांसा का अर्थ होता है लॉजिक। ग्रंथों में जो विभिन्न लॉजिक दिया गया है, न्याय मतलब तर्क वितर्क डिबेट विभिन्न तरह का ज्ञान लॉजिक। उदाहरण स्वरूप जो एक दृष्टिकोण में एक शास्त्र में कहा गया है कि मल को छूने से स्नान करना पड़ता है, और दूसरे शास्त्र में बताया जाता है कि गोबर के द्वारा जगह पवित्र होता है, तो दोनों ही तो मल है। तो ये जो है ना, इसे कहा जाता है मीमांसा लॉजिक। और तीसरा है योगिक पद्धति, हाँ योग शक्ति तथा चौथा है भक्तिमय सेवा। तो व्यासदेव ने ये इतने सारे जो वेद वेदांत साहित्य की रचना की, उनका सार वो ये चार चीजों में विभक्त किया। सकाम कर्म जो गीता माता जी जो पढ़ रहे थे, सोमदेव से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बैगन में थोड़ा चीनी भी डाल देना, नमक भी डाल देना, ताकि सब्जी में देना ना पड़े, हे सोम। तो वे है तो योग शक्ति भक्तिमय सेवा। तो योग शक्ति मतलब हम लोग समझ रहे हैं जैसे कोई पानी के ऊपर चल सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद योग शक्ति का उदाहरण दिए है, क्योंकि सारा जीवन भर 25 साल 30 साल सारा लाइफ 75 साल 80 साल अगर आप योग गुफा में जाके परिश्रम किए, ध्यान लगाए, प्रैक्टिस करे और अंत में आपको सफलता मिली कि तुम पानी के ऊपर चल सकते हो, तो उसने क्या बड़ा काम किया? 3 रुपया लगता है नवद्वीप टू मायापुर और मायापुर टू नवद्वीप, है ना? तो 3 रुपया कमाने के लिए सारा जीवन भर माथा खराब कर दिए, उससे अच्छा भक्ति करना चाहिए ना। तो ये योग शक्ति भी अच्छा नहीं है। पहले हुआ सकाम कर्म, दूसरा हुआ मीमांसा लॉजिक, तीसरा हुआ योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। तो नारद मुनि भक्तिमय सेवा के बारे में व्याख्या करने के लिए व्यासदेव को बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं के विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है ना। विभिन्न देवताओं की विभिन्न रूपों में पूजा, यजुर्वेद में कुछ उल्लेख है, सामवेद में कुछ उल्लेख है, तो विभिन्न देवताओं की पूजा। इसका परिणाम ये हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वो भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थित करे। वो आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत है ना। कोई साईं बाबा शिरडी जा रहे पूजा करने के लिए, कोई इंद्र की पूजा करते, कोई सूर्य की पूजा करते, कोई वृक्ष की पूजा करते, क्योंकि उनका नाना जी पहले वहां पे भूत रहता था उस वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, इसीलिए वहां पे पानी डालते हैं, जल डाल देते हैं, है ना। क्यों पूजा करते हैं वहां पर? कोई देवता है नहीं, मेरा जो दादाजी है ना, मेरा पिताजी का पिताजी का पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, तब से वृक्ष में पानी दे के आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भूत है, अगर यहाँ पे पानी नहीं देंगे तो वो भूत हमारे घर आएगा और सबको रोगी पीड़ित कर देंगे, इसीलिए हम लोग पानी देते हैं। तो इस तरह भूतों की पूजा, प्रेतों की पूजा, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा से लोग पूरी तरह से भ्रमित है। जनता को पता ही नहीं कि असली पूजे मतलब पूजने योग्य व्यक्ति कौन है। भगवान विष्णु जो है असली पूजने योग्य, जैसे राजसूय की सभा में, राजसूय यज्ञ की सभा में पता ही नहीं कि किसकी पूजा पहले की जाए। सभी बोलते द्रोणाचार्य की पूजा की जाए क्योंकि वो अर्जुन को शिक्षा दिए, कोई बोलते कि कृपाचार्य की पूजा की जाए, कोई बोलते धृतराष्ट्र की पूजा की जाए, अलग अलग, सबका अलग अलग
फिलोसॉफी। तो अंत में भीष्म देव ने क्या बताया, अगर कोई पूजने योग्य है इस संसार में तो वो है भगवान कृष्ण जब कुल शिरोमणि। तो ये तो हर चीज हर सबको तो पता नहीं है ना जन सामान्य को, इसीलिए हर कोई भ्रमित है। तो नारद मुनि इसी कारण से व्यासदेव को बता रहे हैं कि आपने इतने सारे वेद वेदांत साहित्य की रचना की जिसमें विभिन्न देवी देवताओं का उल्लेख है पूजा करने का, विभिन्न भूत प्रेतों का है, पितर लोगों का है, लेकिन असली जो पूजा करने के योग्य यथेचांस कला पुष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एकमात्र कृष्ण ही पूजा के योग्य है, इस चीज को वर्णन ही नहीं किए। इस चीज को वर्णन ही नहीं किए। तो श्री नारद देव व्यासदेव को व्यासदेव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं, और इस तरह प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए करते हैं। नारद मुनि ने उस त्रुटि को निकाला जो गलती है। कोई व्यक्ति जब गलती करता है, जैसे उदाहरण सुन, सारा जीवन भर पढ़ाई किए, ट्यूशन दिए, 3-4 जगह कोचिंग किया, फिर भी फेल हुआ, तो कोई सोच सकता है कि नहीं नहीं वो जो खाता चेक करता है ना वही भूल किए, क्योंकि मैं तो अच्छी तरह पढ़ाई की थी ना। खाता चेक करने वाला भूल, उनका कुछ भूल नहीं है, मिस्टेक नहीं है, वो लोग अथॉरिटिक है, JSC झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, है ना। तो इसमें वहां पे कोई डुप्लीसिटी नहीं है, डुप्लीसिटी है कि तुम अच्छी तरह परीक्षा नहीं दी। तो फॉल्ट्स निकाले, फॉल्ट्स हमारा अपना है। तो उसी प्रकार व्यासदेव जी इतना सुंदर परीक्षा दिया, तो परीक्षा देने के बावजूद भी पास नहीं हुआ, तब नारद मुनि बताए खाता चेक करके, एक्चुअली तुम जो फेल किए इसके पीछे कारण यही है कि तुम एडिशनल सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान दिए और जो मूल सब्जेक्ट है उस पर ध्यान नहीं दिए। एडिशनल संस्कृत को रख दिया और इंग्लिश को प्राइमरी बना दिया, जो वर्तमान में अभी संसार में चल रहा भारत में। जब मैं 6th class पढ़ रहा था, 5th class प्राइमरी तक पढ़े, उसके बाद 6th class हाई स्कूल में गया, तो 6th class में जाके देखा कि संस्कृत को एडिशनल बना दिया, बल्कि संस्कृत को मूल में रखना चाहिए। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, आप चाहे उसमें पास करें या ना करें कोई मतलब नहीं। इंग्लिश को प्राधान्यता दिया, संस्कृत को एडिशनल बना दिया, यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये अभी वर्तमान पूरे संसार में है, तो क्या हुआ, इसीलिए नारद मुनि बताए कि जो मूल है कृष्ण भक्ति को आपको मूल केंद्र में रखना चाहिए, लेकिन कृष्ण भक्ति को ही एडिशनल बना दिए, एडिशनल सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट होता है ना जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते, 6 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, और एक है चारवा सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स और संस्कृत, ये 6 सब्जेक्ट रहता है। जो 6 सब्जेक्ट में से ध्यान से सुनना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। तो 5 जो है ना उसको मेन में रखा गया और 1 जो संस्कृत है उसको एडिशनल में रखा गया। तो यद्यपि जितने सारे पढ़ाई है उनमें से संस्कृत को ही प्राधान्यता देना चाहिए था जब हम पढ़ाई किए थे, 2006 की बात नहीं, 2004 की बात, 2004 में जब हम 6th class में एडमिशन लिए स्कूली जीवन मेरा, तो प्राधान्यता किसकी देना चाहिए था, संस्कृत का। लेकिन क्या हुआ, स्कूली सिस्टम बदल गया, क्योंकि 2000 में झारखंड राज्य हो गया, बिहार से झारखंड हुआ, तो क्या हुआ, मतलब पूरी तरह से बदल गया सिलेबस, संस्कृत को एडिशनल बना, तो संस्कृत एडिशनल बना। तो इसी प्रकार नारद मुनि यहां पर बता रहे कि तुमने कृष्ण भक्ति को एडिशनल बना दिया, ये देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, ये पूजा, भूतों की पूजा, प्रेतों की पूजा, कामरूप कामाख्या में जाने की पूजा, ये सब एडिशनल रखना चाहिए कृष्ण भक्ति को सेंटर, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया व्यासदेव, ऐसे ही ये सब चीज को मुख्य में रखा और कृष्ण भक्ति को एडिशनल, संस्कृत को
मेन में रखना चाहिए, और बाकी सब सोशल साइंस, भूगोल, विज्ञान, इकोनॉमिक्स, ये सबको मतलब एडिशनल। लेकिन क्या किया सरकार, इसको मुख्य में और उसको साइड में। समझ गए चीज को, फिलोसॉफी समझा दिए, माइंड में रहेगा, माइंड में अभी तो बोलते ये रहेगा, और कल जैसे नंद किशोरी माता जी प्राण मोहन प्रभु जी को पूछेंगे, प्रभु जी याद नहीं है कुछ, इतना सुंदर इतना एग्जाम्पल समझाते हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं कि कुछ याद नहीं आ रहा। अरे एग्जाम्पल तो कम से कम याद आ रहेगा, याद रहेगा, हाँ शायद तो तथ्य को भूल जाए, लेकिन जो एग्जाम्पल दिए, हाँ प्रभु जी आप सिक्स क्लास में पढ़ रहे थे, हाँ तो उसके बाद आपको इंग्लिश में ये मिला, संस्कृत आपका एडिशनल हुआ, तो ये बोलते बोलते तो आपका नारद मुनि और व्यास देव भाई याद आ जाएगा। चीज को समझना है ना, इतना सुंदर समझा रहे कहाँ मिलेगा। तो वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, मतलब ये जो जितने सारे भाषा निर्माण हुआ है सबका मूल क्या है, संस्कृत। संस्कृत समस्त भाषा की जननी है, संस्कृत से ऊपर कोई लैंग्वेज है ही नहीं। जितने सारे लैंग्वेज बना है, जर्मनी, लैटिन, फ्रांसी, हिंदी, उर्दू, उड़िया, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हाँ ये जितनी सारे भाषा है सबका जननी है संस्कृत, है ना। और ये सब जो भाषा है, ये मासी की बेटी, मामा की लड़की, बुआ की लड़की, ये सब है ना। जो देवनागरी है, हम लोग जो हिंदी में बात कर, देवनागरी जो है ये डायरेक्ट संस्कृत की सगी बेटी है, अपने गर्भ की से निकला हुआ संतान है, हाँ अपने गर्भ से निकली संतान है देवनागरी, मतलब हिंदी जिसमें हम लोग बात करते हैं। और बाकी सब जितने सारे हैं वो मासी की बेटी, बुआ की लड़की, चाची की, भतीजी की देवरानी, या क्या क्या बोलते हैं, ये सब लेंगे जितने सारे, उर्दू, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, ये सब। लेकिन हिंदी और संस्कृत का एक अलग ही महत्व है। अभी हमारे विश्वनाथ प्रभु जी पूछ सकते, प्रभु जी बांग्ला वो तो महाप्रभु भाषा, महाप्रभु तो वो भाषा में बात किए है ना, पूछ सकते हैं। तो बांग्ला का भी महत्व है, बहुत ही सुंदर महत्व है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में इस भाषा में बात किया जाता है, गोलोक नवद्वीप में। जैसे गोलोक वृंदावन है ब्रज भाषा में बात होता है, और दूसरा है गोलोक नवद्वीप, वहां पे बांग्ला भाषा में बात होता है। तो बांग्ला का भी बहुत ही मुख्य भूमिका है, जिसके कारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं कि वो दिन आएगा कि लोगों को चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए बांग्ला सीखना पड़ेगा, है ना। और विदेशी लोग यहाँ पे मायापुर में आके बांग्ला सीखते हैं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत का रस बांग्ला में जो मिलेगा वो दूसरे भाषा में नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप, हम लोग बचपन में या इससे पहले एक मूवी देखे, तो मूवी जो होता है ना ओरिजिनली बॉलीवुड मूवी किस भाषा में बनता है, हिंदी में, तो उसको डबिंग किया जाता है इंग्लिश में, तेलुगु में, बांग्ला में डबिंग किया जाता है, वो कैसा लगता है, बेकार। जैसे महाभारत डबिंग हुआ था, रामायण की बात बता रहे हैं, 1 से 7 5 12 साल पहले की बात है। मेरा जो पढ़ाई लिखाई, मेरा घर सब कुछ मेरा मामा घर से हुआ है, तो मैं अपना घर गया था, वो बंगाल है, बागमुंडी पुरुलिया थाना, मतलब पुरुलिया जिला बागमुंडी थाना, ठीक है। तो वहां पे वो लोग जो रामायण देखते थे, और रामायण रामानंद सागर का जो रामायण है ना, गीता माता जी समझ रहे चीज को, तो रामायण देखते थे, तो बाहर टीवी लगा हुआ है, उस समय सबके घर में, सबके बेसिक मतलब द्वार द्वार में ऐसे चलता था, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे और रामायण को देखते थे, सबके घर में टीवी थोड़ी था। तो ऐसे तो सीता हरण हो चुका है, तो राम मारिच को मारे, और मारिच को मारने के बाद जब आ रहे हैं रिटर्न कुटिया में कि सीता को देखने के लिए, तो राम ऐसे बोले, ओरिजिनल जो हिंदी में है बाहर से, सीते सीते ऐसा है ना, हाँ, और लक्ष्मण बोलते भाभी, ये है ओरिजिनल भाषण, मतलब जो रामानंद सागर जो
उनका रियल वॉइस रिकॉर्ड किए हैं। तो बांग्ला में जो डबिंग है उसमें बता रहे सीता, हाँ सीता है ठीक, और बोठान, बोठान बोठान मतलब भाभी, बांग्ला में बोठान मतलब भाभी, बोठान, और मैं इतना हंस रहा हूँ वहां पे जितने सारे बोधी मतलब, बोधी मतलब हाँ बोधी मतलब, बोधी मतलब बोधी, बोधी मतलब बोठान, बोठान बोधी मतलब भाभी, एक ही चीज, एक ही चीज है प्रभु जी, एक ही चीज। हाँ तो बोठान ऐसे बोल रहे, एक्चुअली मैं तो सब कुछ हिंदी में देखा हूँ बचपन से ही, और अचानक मैं अपना घर गया वहां पे तो सब कुछ बांग्ला में चलता है, और वहां पे बांग्ला मूवी भी चलता है और बांग्ला सीरियल भी चलता है रामायण महाभारत श्री कृष्ण का, तो शाम के टाइम में रामायण लगाया तो मैं सोचा कि वही है, तो पिक्चर तो वही दिख रहा है लेकिन लैंग्वेज बोठान, बोठान इतना हंसी लग रहा है। तो बाकी सब लोग मुझे बोले हंस रहे क्यों, बोले कि मुझे हंसी इसलिए आ रहा क्योंकि ओरिजिनल में जो इसका लैंग्वेज है, हाँ ओरिजिनल मतलब जो शूटिंग किया गया है, जो लिया गया है व्यक्ति का अपना वॉयस, रावण का अपना वॉयस लिए, नीतीश भारद्वाज का अपना वॉयस लिए, अरुण गोविल का अपना वॉयस लिए, वो जो ओरिजिनल बना है, तो इस प्रकार क्या हुआ गीता माता जी, ये सब उदाहरण देते तब क्यों बंद कर देते, बोरिंग लगता है। तो क्या बात कर रहे थे नंदकिशोरी माता जी, भाषा का क्या गए थे आप लोग, वहां बांग्ला में सब शूटिंग हुआ था। हाँ किस विषय में बोले ये, ये ये कैसे आया विश्वनाथ प्रभु, भाभी 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 के लैंग्वेज में, तो बांग्ला भाषा संस्कृत से सभी भाषा का उद्भव हुआ है। संस्कृत से समस्त भाषा का उत्पन्न उदय हुआ है। तो संस्कृत और साहित्य दोनों, हाँ तो ये जो है ठीक है माता, ठीक है बस एक पॉइंट बोलने के लिए बस उतना ही बोलना है। तो उसके बाद वो चीज देखे तो पता चला है कि रियली जो लैंग्वेज है तो उसका जो भाव इसके द्वारा प्रकट नहीं हो रहा बांग्ला में, उसका भाव अलग है इसका भाव अलग है। तो जो चीज बोलना चाह रहे थे भूल गए, एक्चुअली मूड डिस्टर्ब हो जाता है, ये भक्तगण जब इधर उधर वीडियो ऑफ कर देते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं गीता माता जी को टोकर मारता हूँ, माता जी अच्छा लग रहा है। प्रभु जी हमारी सास चिल्ला रही थी इसलिए मैं दौड़ के गई, क्या हो गया करके बाथरूम में उठ नहीं पा रही थी। सास चिल्ला रही थी आपको पसंद नहीं आ रहा था, मुझे ये बेड फीलिंग होता है जब कोई वीडियो बंद कर, नहीं नहीं वो ना चिल्ला रही थी मैं उठ नहीं पा रही, बाथरूम में बैठ गई ना उठ नहीं पा रही करके चिल्ला रही थी तो मैं दौड़ के। अच्छा अमर विश्वनाथ प्रभु का जी का तो लाइट चला गया है, ठीक है। तो चलिए दो मिनट टाइम है, एक मिनट तो बड़ा है। तो रंचमात्र विचरण से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है, तो भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते क्योंकि इसमें तो शिल्प रूप जो यहाँ पे उदाहरण दिए, देवताओं का उदाहरण दिए, देवताओं का क्या उदाहरण, देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद बहुदेवतावाद का जन्म होता है, क्योंकि देवता तो एक नहीं है ना, अग्निदेव है, इंद्रदेव है, चंद्रदेव है, वरुण देव है, ये देव है, वो देव है, वो देव है, कितने सारे देवता है लेकिन कृष्णा एक है, चाहे राम की पूजा करे, नारायण की पूजा करे, विष्णु की पूजा करे, नरसिंह देव की पूजा करे, वामन देव की पूजा करे, सब एक है, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे कि जन्म होता जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांत की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही निर्देश दिशा का निर्देश करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि देवी देवताओं की पूजा करने से हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से चूक जाएंगे और हमारा जो रियल रिलेशनशिप है मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है उससे हम लोग विचलित हो जाएंगे,
और हम लोग मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं कर पाएंगे अगर देवी देवताओं के चक्कर में पड़े तो। बल्कि कृष्ण भक्ति करने से देवी देवताओं की भक्ति, देवी देवताओं की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस तथ्य को हम लोगों को समझना है।